हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार। इस ब्लॉग में मैं आपको राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक सप्ताह के राजस्थान ट्रिप पे अपने 5 दोस्तों के साथ निकला हूँ। इसके पहले 2 ब्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ, चित्तौड़गढ़ की किला और उदयपुर सिटी। इस ब्लॉग में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस माउंट आबू के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं अपने 5 दोस्तों के साथ आज मैं आपको माउंट आबू में क्या देखा, माउंट आबू कैसे पहुंचा और माउंट आबू में फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको माउंट आबू के बारे में बता दूं। दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर बसा हुआ है। दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो अपने शांत वातावरण और हरे भरे माहौल के लिए भी जाना जाता है। ये हिल स्टेशन राज्य का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है। दोस्तों, माउंट आबू अरावली रेंज में ऊंचे पथरीले पठार पर मौजूद है जो जंगलों से घिरा हुआ है। इस जगह की शांत जलवायु और मैदानों का नजारा पर्यटकों को बहुत खुश कर देता है। दोस्तों, यह हिल स्टेशन राजस्थान में है और बेहद सुंदर है। यह हिल स्टेशन अरावली के पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है। आप यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं और कई मंदिरों का दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह हिल स्टेशन समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। यह हिल स्टेशन हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर भी मशहूर है। दोस्तों, माउंट आबू में सैलानी नक्की झील घूम सकते हैं। सो दोस्तों, माउंट आबू में एक नक्की झील है जो सबसे फेमस झील है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और दोस्तों, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ, माउंट आबू एक ऐसी जगह जो बहुत ऊंचे पहाड़ी के बीच पर बना हुआ है, और इतने ऊंचे पहाड़ी पर इतने बड़े झील का होना ये भी बहुत बड़े आश्चर्यजनक की बात है। दोस्तों, अगर आप माउंट आबू जाते हैं और नक्की झील नहीं घूम पाते हैं तो ये ट्रिप आपके लिए अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, इतने ऊंचे पहाड़ों के बीच नक्की झील बना हुआ है जो कि बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और यहाँ पे सालों भर पानी भरा रहता है। चारों ओर हरियाली, जंगलों के बीच नक्की झील देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर नजर आता है। तो दोस्तों, माउंट आबू का जो सबसे आकर्षक का केंद्र है वो नक्की झील है। तो आइए नक्की झील के बारे में और डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, खूबसूरत नक्की झील चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। आप तट के किनारे पिकनिक का आनंद ले सकते हैं, झील पर नौका विहार करने जा सकते हैं या इसके चारों ओर घुड़सवारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, समुद्र तल से ये 1200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बनने वाली यह भारत की एकमात्र आर्टिफिशियल झील है। दोस्तों, यह नक्की झील महाराजा जयपुर पैलेस और रघुनाथ मंदिर झील के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, नक्की झील माउंट आबू का हार्ट है, दिल है। अगर आप नक्की झील नहीं गए तो ये आपके लिए ट्रिप अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने नक्की झील घूमा। दोस्तों, नक्की झील घूमने के बाद हम लोग ने ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर गया। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में ही है, जिसे मधुबन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पहाड़ियों की ठंडी ऊंचाइयों में बसा माउंट आबू एक हिल स्टेशन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में सभी जगह बालू ही बालू और रेत ही रेत नजर आता है, लेकिन दोस्तों, राजस्थान का माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का, जहाँ पे आप पहाड़ियों का, पेड़ पौधे का और नक्की लेक जैसे बड़े झील का आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित है, जिसके कारण इस हिल स्टेशन पे गुजराती लोग भी बहुत आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैं माउंट आबू कैसे पहुंचा। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मैं पहले चित्तौड़गढ़ गया, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर आया। उदयपुर भ्रमण करने के बाद हम लोगों ने कैब बुक किया था। उस कैब से हम लोगों ने ये बात करी थी कि हमें माउंट आबू जाना है, माउंट आबू के फेमस फेमस टूरिस्ट प्लेस को हमें एक्सप्लोर करना है, देखना है। उसके बाद दूसरे दिन वापस मुझे उदयपुर सिटी का रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ना है। तो दोस्तों, ये डील हुई थी हमारे कैब वाले के साथ। तो दोस्तों, हम लोग 5 दोस्त थे, हम लोगों ने अपनी पर्सनल कैब बुक करी उदयपुर से माउंट आबू के लिए, और उसी कैब से माउंट आबू के फेमस फेमस टूरिस्ट प्लेस पे हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, देखा। और दूसरे दिन उसी कैब से हम लोग वापस उदयपुर सिटी आए,
जहाँ से हम लोग की ट्रेन की बुकिंग थी उदयपुर से दिल्ली के लिए। तो दोस्तों अभी मैंने आपके साथ शेयर किया मैं उदयपुर से पहुंच अब कैसे पहुंचा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग नक्की झील देखा, नक्की झील के बाद हम लोग ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय गया। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट है माउंट आबू में वो डॉट रॉक व्यू पॉइंट है। तो दोस्तों माउंट आबू में डॉट रॉक व्यू पॉइंट भी एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है जो कि नक्की झील के पास है। तो दोस्तों नक्की झील के पास सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक डॉट रॉक व्यू पॉइंट है। और दोस्तों ये डॉट रॉक व्यू पॉइंट पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। जैसा कि दोस्तों नाम से पता चलता है यह एक डॉट जैसा दिखता है। और दोस्तों आप यहाँ तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जा सकते हैं या चट्टानी रास्ते पर चढ़कर भी जा सकते हैं। और डॉट रॉक पहुंचने के बाद आप नीचे की व्यू देखेंगे तो पूरी के पूरी नक्की झील दिखाई पड़ेगा। तो इस व्यू पॉइंट से नक्की झील बहुत अच्छा से देख सकते हैं। पूरी की पूरी नक्की झील इस पॉइंट से आप आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों इस व्यू पॉइंट से आप आसपास की झील और हरे भरे पहाड़ी क्षेत्रों की मनोरम सुंदरता देखने के लिए भी आप चट्टान पर चढ़कर यहाँ के खूबसूरत दृश्यों और कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस व्यू पॉइंट से बाहर के जो खूबसूरत दृश्य दिखता है उसे आप अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आता है यहाँ से। सो दोस्तों हम लोगों ने डॉट रॉक व्यू पॉइंट का एक्सप्लोर किया। इसके बाद शाम को हम लोगों ने सनसेट पॉइंट माउंट आबू देखा। सो दोस्तों सनसेट पॉइंट माउंट आबू का बहुत ही फेमस और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं माउंट आबू सनसेट पॉइंट जरूर देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों सनसेट पॉइंट वो वही जगह है जहाँ से आप सुबह के सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त बहुत आनंद पूर्वक देख सकते हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे कि सूरज आप नॉर्मल से बहुत उसे बड़ा देख सकते हैं। ऐसा लगेगा कि सूरज आपके बिल्कुल पास आ गया है क्योंकि यह चोटी के सबसे टॉप पर बसा हुआ है और माउंट आबू के चोटी के सबसे लास्ट में ये सनसेट पॉइंट बना हुआ है। तो दोस्तों इस व्यू पॉइंट से अगर आप सूरज को सूर्यास्त होते हुए देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि सूरज का आकार बड़ा हो गया है, सूर्य आपसे बहुत काफी पास आ गया है। और दोस्तों शाम के वक्त जब सूर्य की लालिमा जब माउंट आबू के आसपास के चट्टानों में पड़ती है तो वो चमक उठता है। तो दोस्तों अब मैं आगे बताना चाहूंगा कि जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं माउंट आबू वो सनसेट पॉइंट की तरफ क्यों भागते हैं। दोस्तों अगर आपको खास करके उगती हुई सुबह और ढलती हुई शाम देखने का शौक है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यह आकर आप महसूस करेंगे कि आप प्रकृति के कितने करीब हैं। दोस्तों अगर आप नेचर लवर हैं और हमेशा उन जगहों पर घूमने की चाहत रखते हैं जहाँ प्रकृति सबसे अलग और खूबसूरत नजर में आती है, ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। दरअसल माउंट आबू एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ लोग उगते हुए सूरज को देखने जाते हैं और कभी ढलती शाम को देखने जाते हैं। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जहाँ आपको हरियाली देखने को मिलेगी। और दोस्तों माउंट आबू का शाम बहुत ठंडा होता है। दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूंगा कि मैं जुलाई के महीने में गया था माउंट आबू अपने 5 दोस्तों के साथ। माउंट आबू में उस समय थोड़ी बारिश हो रही थी, रात को इतने ठंड लग रहा था कि हम लोगों ने गर्म कम्बल का यूज किया और नहाने के लिए गीजर का यूज किया। सो दोस्तों माउंट आबू पहाड़ी की एकदम चोटी पर बसा हुआ है, इतने ऊंचाई होने के कारण वहाँ का जो शाम के जो वातावरण होता है बहुत ठंडा हो जाता है। आप गर्मी में भी बहुत ठंडी महसूस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप माउंट आबू विजिट करना चाहते हैं तो अब मैं बताना चाहूंगा कि माउंट आबू का जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा टाइम विजिट करने का होता है। दोस्तों माउंट आबू की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच है जब मौसम सुहावना होता है। ये महीने दर्शनीय स्थलों की यात्रा और ट्रैकिंग के लिए भी परफेक्ट है जिनमें औसत तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हालांकि दोस्तों आप गर्मियों में भी यहाँ एक बार जाने के लिए सोच सकते हैं क्योंकि बाकी इलाकों की तुलना में इतना गर्म नहीं होता है, पर बेस्ट समय का मतलब सर्दियों के महीने ही होता है। अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच जाते हैं माउंट आबू तो ये परफेक्ट टाइम होता है माउंट आबू घूमने का। तो दोस्तों इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं उदयपुर से माउंट आबू कैसे गया, माउंट आबू में क्या क्या देखा। माउंट आबू मैंने नक्की झील देखा, ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय हेड ऑफिस देखा,
टॉट रॉक व्यू देखा, सनसेट व्यू पॉइंट देखा और माउंट आबू का मार्केट और वहां का फूड का भी अच्छे तरीके से इंजॉय किया। तो दोस्तों माउंट आबू का ट्रिप पार्ट थ्री है। तो दोस्तों अगर आप माउंट आबू ट्रिप का प्लान बना तो आप कुछ गर्म कपड़े भी जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि माउंट आबू का जो शाम का वातावरण होता है बहुत ठंडा होता है, आप गर्मी में भी ठंड का महसूस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ऊंचे चोटी के ऊपर बसा हुआ है और बहुत ही ठंडे माहौल होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा जगह है और सौंदर्यता का एक मिसाल है। तो दोस्तों जब भी आपको टाइम मिलता है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ या कभी अकेले, आप माउंट आबू का ट्रिप जरूर बनाएं। ये ट्रिप मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हूँ। तो दोस्तों मैं अपने राजस्थान ट्रिप की जर्नी चित्तौड़गढ़ से किया था, उसके बाद चित्तौड़गढ़ से उदयपुर आया, उदयपुर से माउंट आबू आया। सो पार्ट वन में मैंने चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको बताया, पार्ट टू में उदयपुर के बारे में आपको बताया और पार्ट थ्री में माउंट आबू के बारे में बताया। तो दोस्तों जैसा मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आपको कैसा महसूस हुआ है, आप अपने अनुभव इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।